हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाई है बेसन वाली प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली सब्जी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। बेसन वाली प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने ली है शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है इस तरह से। दो मीडियम साइज के प्याज, जिसको भी मैंने पतला लंबा कट कर लिया है, और दो टमाटर, उनको भी मैंने लंबा काटा है। थोड़ा सा हरा धनिया, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर और आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, तीन टेबल स्पून बेसन लिया है मैंने। सब्जियों के अनुसार बेसन की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और तड़के के लिए जीरा, चलिए बनाते हैं। गैस पे मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं बेसन को भूनूंगी। मीडियम फ्लेम पे बेसन को हल्का भूनना है। देखिए बेसन भून गया है, इसका कलर आ गया हल्का सा। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसी पैन में मैं 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको चला लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब डालूंगी मैं इसके अंदर प्याज। प्याज को भी चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस लाइट कलर आ गया है तो इतना ही भूनना है प्याज को। अब डालेंगे इसके अंदर मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। सबको मिक्स कर लेंगे। मसाले को एक बढ़िया भूनना है हमें। लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे मसाले को। उसी से सब्जी का टेस्ट बढ़िया आता है, जब मसाला अच्छे से भुनता है तो। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर शिमला मिर्च और इसे भी मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब मैं टमाटर डाल रही हूँ, इनको भी थोड़ा सा पका लेंगे। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को मैं ढक्कन बंद करके करीब 2 मिनट के लिए इनको पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। सभी सब्जियों ने तेल भी छोड़ दिया है, ये अच्छे से कुक हो गई है। ये बेसन है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका गोल बना लूंगी। ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस इसको गोलना है। ये देखिए ऐसा गोल बनाया है मैंने, और ये डाल दूंगी मैं अब सब्जी के अंदर और इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन को गोल के डालने से इसके अंदर लम्स नहीं रहेंगे। आप चाहे तो सूखा भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे लम्स बन जाएंगे, तो मैंने गोल के डाला है। बेसन को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट पका लेंगे मसालों के साथ। बेसन भी मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है और ये सब्जी है बिल्कुल तैयार हो गई है। ये ठंडी हो गई तो बिल्कुल एकदम खिली खिली दिखेगी। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर हरा धनिया और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, और सब्जी को मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ। ये देखिए ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है बनके। थोड़ी ठंडी होने के बाद इसका बेसन है वो अलग हो गया है, ये बिल्कुल ही चिपचिपा नहीं बना है। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है।